नमस्कार प्रिय साथियों, मैं हूं आपका दोस्त केबी और आज की डेट है 4 जुलाई 2019। डेली करंट अफेयर के एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो इस वीडियो में हम 4 जुलाई से जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न हो सकते हैं उन सारे प्रश्नों को डिस्कस करेंगे, साथ ही साथ मूल अधिकारों के अंतर्गत जो भी महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं उन सारे अनुच्छेदों को हम 5 मिनट के अंदर रिवाइज करेंगे, क्योंकि सारे अनुच्छेदों को हम लोग वीडियो के लास्ट में अभी तक पढ़ चुके हैं। तो वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो अगर आपको नहीं पसंद आता है तो वीडियो को आप डिसलाइक तो करते हैं लेकिन आप ये नहीं बताते हैं कि आपके डिसलाइक किए जाने के पीछे का कारण क्या है। तो अगर कोई कारण है तो आप डिसलाइक करने के साथ साथ बता भी सकते हैं, जिससे अगले वीडियो में उस परेशानी को दूर किया जा सके। तो चलिए अब हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। कल मैंने आपसे पूछा था कि किस खिलाड़ी ने इस वर्ष ऑस्ट्रियन ग्रैंड प्रिक्स का खिताब जीता है। तो इस वर्ष खिताब जीता है मैक्स वर्स्टप्पन ने, तो यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट होगा। और दूसरा प्रश्न जो मैंने आपसे पूछा था कि भारतीय नौसेना का जहाज INS तरकस किस देश में पहुँचा, तो यह मिस्र, जो कि अफ्रीका का एक देश है, उसके शहर अलेक्जेंड्रिया में पहुँचा था। तो बहुत सारे लोगों ने इस प्रश्न का सही जवाब दिया लेकिन विनोद जी ने इसके बारे में डिटेल में लिखा और मैं आपसे बार बार कहता हूँ कि विनोद जी के कमेंट को आपको ज़रूर पढ़ना चाहिए। तो चलिए आज की इस वीडियो का सवाल भी मैं आपसे पूछ लेता हूँ। फोर्ब्स के द्वारा अभी दुनिया के अमीर खिलाड़ियों की सूची जारी की गई, तो इसमें कौन सा खिलाड़ी शीर्ष पर है, तो इसे आपको बताना है। और दूसरा आपको बताना है कि महान बैडमिंटन खिलाड़ी ली चोंग वुई, इन्होंने अभी संन्यास ले लिया कैंसर के कारण, और ये किस देश के खिलाड़ी थे। तो इन दोनों प्रश्नों के उत्तर आपको कमेंट सेक्शन में बताने हैं। चलिए अब हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहला हमारा प्रश्न है कि हाल ही में किस क्रिकेट खिलाड़ी ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की। ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं और इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, यानी कि युवराज सिंह और अंबाती रायडू। युवराज सिंह ने करीब 15 से 20 दिनों पहले संन्यास की घोषणा की थी और अंबाती रायडू ने कल अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की। तो ये हैं अंबाती रायडू, यहाँ पर आप उनको देख सकते हैं, और इन्होंने ही अभी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की। इनके बारे में अगर हम बात करें तो दाहिने हाथ के ये बल्लेबाज हैं और इन्होंने अभी तक 55 ODI और 6 T20 मैच खेला था। अगला हमारा प्रश्न है कि मनोज कुमार नामग्यार को किस कंपनी के द्वारा अपना चेयरमैन बनाया गया है। ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, यानी कि मनोज कुमार नामग्यार को माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन नेटवर्क का चेयरमैन बनाया गया है, और ये हैं आपके मनोज कुमार नामबियार। इससे पहले ये आरोहन फाइनेंशियल सर्विस के MD थे। अगर हम लोग यहाँ पर बात करते हैं माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशनल नेटवर्क के बारे में, तो इसकी स्थापना 2009 में हुई थी। यह एक सूक्ष्म वित्तीय क्षेत्र का संघ है, यानी कि जो भी हमारी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होते हैं, जो कि गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ होती हैं, वह सारी इसमें शामिल होती हैं। अगला हमारा प्रश्न है कि किस राज्य की सरकार के द्वारा AES यानी कि एक्यूट एंसेफलाइटिस सिंड्रोम, जिसे हम लोग चमकी बुखार के नाम से भी जानते हैं, इसके लिए और जापानी एंसेफलाइटिस दोनों बीमारियों के लिए दस्तक अभियान की शुरुआत की है। ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं और इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, यानी कि उत्तर प्रदेश की जो सरकार है उसके द्वारा इन दोनों बीमारियों के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए दस्तक नाम से अभियान चलाया गया है। तो अगर हम लोग इन दोनों के बारे में बात करें तो AES का मतलब होता है एक्यूट इंसेफलाइटिस सिंड्रोम और JE का मतलब होता है जापानी इंसेफलाइटिस। दोनों ही एक प्रकार के बुखार हैं और यूनिसेफ की सहायता से इस अभियान को उत्तर प्रदेश की सरकार चलाएगी और इसमें 1 से लेकर के 31 जुलाई तक जो भी उत्तर प्रदेश के 75 जिले हैं उन सभी जिलों में इन दोनों बीमारियों के प्रति जागरूकता फैलाई जाएगी। अगला हमारा प्रश्न है कि RBI के किस डिप्टी गवर्नर का कार्यकाल 1 वर्ष के लिए बढ़ाया गया, तो ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं और इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, यानी कि NS विश्वनाथन, जो कि 3 जुलाई 2019 को रिटायर हुए, उनका कार्यकाल अगले 1 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। अब ये कार्यकाल बढ़ाया क्यों गया है, क्योंकि जो बिरल आचार्य थे, एक डिप्टी गवर्नर थे RBI के, इन्होंने हाल ही में अभी इस्तीफा दे दिया है। डिप्टी गवर्नर की अगर हम लोग बात करते हैं RBI में, तो कुल मिलाकर के
चार डिप्टी गवर्नर होते हैं और उन चारों के नाम यहाँ पर आपको दिए गए हैं, NS विश्वनाथन, MK जैन, BP कानूनगो और बिरल आचार्य। और इनके बारे में आपको याद रखना है क्योंकि इन्होंने इस्तीफा दिया है और NS विश्वनाथन का कार्यकाल यहाँ पर बढ़ाया गया है। तो ये हैं आपके NS विश्वनाथन, जिनके कार्यकाल को RBI के द्वारा एक वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया है। अब अगर हम लोग RBI के बारे में बात करें तो इसके बारे में मैं आपको कई बार बता चुका हूं और उम्मीद करता हूं कि आपको अब ये पूरा अच्छी तरीके से याद हो गया होगा। स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को, मुख्यालय इसका मुंबई में है। शुरुआत में 1935 में इसका मुख्यालय था कोलकाता में, फिर 1937 में इसको शिफ्ट किया गया था। गवर्नर इसके हैं शक्तिकांत दास, जो कि इसके 25वें गवर्नर हैं, और पहले गवर्नर कौन थे? ऑसबोर्न स्मिथ। अगला हमारा प्रश्न है कि किस देश के द्वारा सिंगल यूज प्लास्टिक, सिंगल यूज प्लास्टिक का मतलब कौन सा है? ऐसा प्लास्टिक जिसे एक बार प्रयोग के बाद में फेंक दिया जाता है। इन सभी प्लास्टिक से निर्मित जो भी प्लास्टिक बैग हैं उन पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। तो यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, यानी कि न्यूजीलैंड के द्वारा जो भी सिंगल यूज प्लास्टिक के बने हुए प्लास्टिक के बैग हैं उन पर प्रतिबंध लगाया गया है। अब ये प्रतिबंध लगाया क्यों गया है? क्योंकि आप अगर डेली करंट अफेयर फॉलो करते होंगे या न्यूज़पेपर या TV वगैरह देखते होंगे तो फिर आपने सुना होगा कि जो हमारे मरीन हैं, जो हमारे मरीन एनिमल हैं, यानी कि जलीय जीव हैं, समुद्र में रहने वाले, समुद्रों में बहुत ही भारी मात्रा में प्लास्टिक को फेंका जाता है जिससे उनकी प्रत्येक वर्ष मृत्यु हो जाती है। तो 1 जुलाई 2019 से इसे लागू किया जाएगा और यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंटल प्रोग्राम के अंतर्गत 80 से ज़्यादा देशों ने सिंगल यूज प्लास्टिक को बैन कर दिया है। सिंगल यूज प्लास्टिक वे प्लास्टिक होती हैं जिनकी मोटाई 70 माइक्रोन होती है। अब न्यूजीलैंड की बात हुई है तो आइए न्यूजीलैंड को मैप में देख लेते हैं। ये है ऑस्ट्रेलिया और इसके पूरब में आपको प्रशांत महासागर में मिलेगा न्यूजीलैंड। ये मुख्य रूप से द्वीपीय देश है और इसके बारे में अगर हम बात करें तो राजधानी यहाँ की है वेलिंगटन और मुद्रा यहाँ की है न्यूजीलैंड डॉलर, और वर्तमान में यहाँ की PM है जेसिंडा आर्डर्न। तो इनके बारे में याद रखना है, 40वीं प्रधानमंत्री हैं ये न्यूजीलैंड की। अगला हमारा प्रश्न है कि किस राष्ट्रीय पार्क के लिए विशेष गैंडा सुरक्षा बल को तैनात किया गया है, और ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, यानी कि काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क के लिए विशेष गैंडा सुरक्षा बल को तैनात किया गया है। अब अगर हम लोग इस पार्क के बारे में बात करें तो याद रखिएगा 1908 में इसकी स्थापना की गई थी, यानी कि 1960 में स्थापना की गई थी। यूनेस्को की धरोहरों की श्रेणी में ये शामिल है और मुख्य रूप से एक सींग वाले गैंडे के लिए ये प्रसिद्ध है। तो केंद्र व राज्य सरकार दोनों के द्वारा ये जो बल है उसको गठित किया गया है, और गठन इसका इसलिए हुआ है क्योंकि अवैध शिकारियों के द्वारा, यानी कि जो भी हमारे शिकारी होते हैं उनके द्वारा इन गैंडों की हत्या कर दी जाती है। तो 82 सदस्यीय टीम है और यहाँ पर आप देख सकते हैं एक सींग वाले गैंडे को। अगला हमारा प्रश्न है कि किसानों की आय को दुगना करने के लिए जो मुख्यमंत्रियों की उच्च स्तरीय समिति बनी है उसके अध्यक्ष कौन होंगे? तो ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं और इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, यानी कि महाराष्ट्र के जो CM हैं जिनका नाम है देवेंद्र फडणवीस, उनको मुख्यमंत्रियों की जो उच्च स्तरीय समिति बनी है किसानों की आय को बढ़ाने के लिए इसका अध्यक्ष बनाया गया। नीतीश कुमार बिहार के हैं और आदित्यनाथ ये हैं उत्तर प्रदेश के CM, और भारत सरकार का लक्ष्य है कि 2022 तक किसानों की आय को दुगना किया जाए। तो यहाँ पर आप महाराष्ट्र को देख सकते हैं, राजधानी इसकी दो है, गर्मियों में मुंबई होती है, सर्दियों में नागपुर हो जाती है। राज्यपाल यहाँ के हैं सी विद्यासागर राव और CM के बारे में मैंने आपको बताया है देवेंद्र फडणवीस। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला हमारा प्रश्न है कि PNB यानी कि पंजाब नेशनल बैंक के मुख्य सतर्कता अधिकारी सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर कौन नियुक्त किए गए हैं? ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं और इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, यानी कि बी के त्यागी को पंजाब नेशनल बैंक का मुख्य सतर्कता अधिकारी बनाया गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बी के त्यागी को, और अगर हम PNB के बारे में बात करें तो 18 मई 1894 को इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय इसका आपको मिलेगा नई दिल्ली में और इसके चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं सुनील मेहता। अगला हमारा प्रश्न है कि किस राज्य की सरकार द्वारा तितली की एक प्रजाति को राजकीय तितली घोषित किया गया? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, यानी कि तमिलनाडु की सरकार के द्वारा तितली की एक प्रजाति को राजकीय तितली घोषित किया गया है।
अब यहाँ पर आप देख सकते हैं उस तितली को, इसका नाम है तमिल ए ओआवन और या तमिल मारवन। तो ये तितली की एक प्रजाति है और इसी को राजकीय तितली घोषित किया गया है। अब राजकीय की बात आई है, राजकीय सिंबल की बात आ रही है, तो तमिलनाडु के बारे में और आप लोग जान लीजिए थोड़ा सा। राजकीय पशु यहाँ का है नीलगिरी तहार, जो कि बकरी की एक प्रजाति है। राजकीय भाषा है तमिल, नृत्य है भारतनाट्यम, राजकीय पक्षी है बतख, राजकीय पुष्प लिली और राजकीय वृक्ष है ताड़। अगला हमारा प्रश्न है कि महात्मा गांधी आईटी और बायोटेक्नोलॉजी पार्क का निर्माण किस देश में किया गया? तो हाल ही में इसका उद्घाटन हुआ है और जिस देश में इस पार्क को बनाया गया है वह है आइवरी कोस्ट। तो इस प्रश्न का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अब आइवरी कोस्ट के बारे में बात करें तो यहाँ पर आप मैप में देख सकते हैं अफ्रीका महाद्वीप का यह एक देश है और यहाँ पर आपको ये अटलांटिक महासागर की तरफ दिखाई देगा। इसके बारे में बात करें तो राजधानी यहाँ पर दो हैं, एक है राजनीतिक राजधानी जिसका नाम है यामोसुक्रो और आर्थिक राजधानी यहाँ की है आबिदजन। अगला हमारा प्रश्न है कि भारत में निर्यात को बढ़ावा देने के लिए किस नई संस्था की स्थापना की जाएगी? ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं और इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, यानी कि भारत में जो पिछले 10 से 15 सालों में निर्यात घटा है उसको बढ़ावा देने के लिए इस नई संस्था को स्थापित किया जाएगा। अब इसके बारे में अगर हम लोग बात करें इस संस्था के बारे में तो वाणिज्य मंत्री जो हमारे हैं पीयूष गोयल, इनके द्वारा इसकी घोषणा की गई। और पीयूष गोयल के बारे में आपको पता होगा कि ये हमारे रेलवे मिनिस्टर भी हैं। इस संस्था के बारे में बात करें तो इसका पूरा नाम है कोऑपरेटिव सेक्टर एक्सपोर्ट प्रमोशन फोरम, यानी कि सहकारी क्षेत्र निर्यात संवर्धन मंच, और 20 राज्यों में ये संस्था काम करेगी। और इसका उद्देश्य है कि जो भी हमारे कृषि प्रोडक्ट होते हैं उनकी निर्यात को 2022 तक 60 अरब डॉलर तक पहुँचाया जाए। अगला हमारा प्रश्न है कि BSNL यानी कि भाई साहब नहीं लगेगा, इसके नए चेयरमैन व प्रबंध निदेशक कौन बनाए गए? ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं और इस प्रश्न का सही उत्तर होगा पीके पुरवार। तो ऑप्शन ए हमारा यहां पर करेक्ट होगा। तो ये आपके हैं पीके पुरवार और यही नए CMD बनाए गए हैं BSNL के। BSNL के बारे में अगर हम लोग बात करें तो ये भारत सरकार की एक टेलीकॉम कंपनी है। स्थापना इसकी हुई थी 15 सितंबर सन 2000 को। मुख्यालय है नई दिल्ली में। ब्रांड एम्बेसडर के बारे में भी पता होना चाहिए, मैरीकॉम इसकी ब्रांड एम्बेसडर हैं और हवाई जहाज़ में इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रोवाइड करने वाली ये पहली हमारी टेलीकॉम कंपनी है। अगला हमारा प्रश्न है कि अमेरिकी बैंक मॉर्गन स्टैनली के अनुसार भारत की GDP ग्रोथ दर जो है वह 2019 में कितनी होगी? तो ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं और इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, यानी कि जो अमेरिकी निवेश बैंक है जिसका नाम है मॉर्गन स्टैनली, इसके अनुसार भारत की GDP वृद्धि दर 2019 के लिए 6.1% होगी और 2020 के लिए यह 7.1% होगी। तो ये आपको याद रखना है। अगला हमारा प्रश्न है कि भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड के नए CMD कौन बनाए गए? तो यहाँ पर ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं और इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, यानी कि नलिन सिंघल को भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, जिसे हम लोग भेल के नाम से भी जानते हैं, इसका नया चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर बनाया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं नलिन सिंघल जी को। और अगर हम लोग यहाँ पर भेल के बारे में बात करें तो ये हमारे भारत सरकार का एक उपक्रम है। स्थापना इसकी हुई थी 1964 में। मुख्यालय इसका है नई दिल्ली में और जो भी हमारे ऊर्जा निर्माण के उपकरण होते हैं उन सभी का निर्माण करने वाली ये भारत की सबसे बड़ी कंपनी है। तो यहाँ पर हमारा करंट अफेयर का सेक्शन समाप्त होता है। अब जो लोग वीडियो को स्किप करना चाहते हैं वह वीडियो को स्किप कर सकते हैं। पॉलिटी को हम लोग डिस्कस कर रहे थे और मेरा प्लान यह है कि अगले 2 महीनों में हम लोग सारी पॉलिटी को इसी प्रकार से समाप्त कर देंगे। जो भी महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं, जो भी हमारे महत्वपूर्ण संशोधन हैं या जो भी हमारे संवैधानिक गैर संवैधानिक पद हैं या संस्थाएँ हैं उन सभी के बारे में हम डिस्कस कर लेंगे। तो ये सीरीज आपको पसंद आ रही है तो आप लोग इसके बारे में भी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो हम लोग मूल अधिकारों के बारे में डिस्कस किए थे, जितने भी आर्टिकल थे हमने सारे डिस्कस किए थे। आज हम लोग क्विकली इन सभी आर्टिकल का रिवीजन करेंगे। तो मूल अधिकारों के बारे में मैंने आपको बताया था कि आर्टिकल 12 से लेकर के 35 तक जो अनुच्छेद हैं उनको मूल अधिकारों में
पार्ट तीन में यानी कि भाग तीन के अंतर्गत शामिल किया गया है। अब आइए एक करके सभी अनुच्छेदों को देखते हैं। सबसे पहले बात करेंगे आर्टिकल 12 की, फिर 13, 14, 15, 16, 17। आर्टिकल 12 में राज्य की परिभाषा दी गई है और मैंने आपको बताया था कि इस राज्य को आप लोग स्टेट से कन्फ्यूज नहीं करेंगे। जो आपके 29 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश हैं उनके अलावा भी जो अन्य हमारे विधानमंडल होते हैं या जो हमारी संस्थाएँ होती हैं उनको भी हम राज्य की श्रेणी में रखते हैं। तो याद रखिएगा आर्टिकल 12 में राज्य की परिभाषा दी गई है। आर्टिकल 13 की बात करें तो इसमें कहा गया है कि अगर हमारे राज्यों के द्वारा कोई ऐसा कानून बनाया जाता है कि जो फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन करता है या उनको कम करता है तो वह हमारे नल एंड वॉइड हो जाएंगी, यानी कि उसे रद्द कर दिया जाएगा। अगला हमारा अनुच्छेद है अनुच्छेद 14। अनुच्छेद 14 की बात करें तो इसके बारे में आपको केवल इतना याद रखना है कि कानून की नज़र में सभी लोग बराबर हैं। आर्टिकल 15 जिस पर अभी मूवी भी बनी है, काफ़ी विवाद भी हुआ है इसको लेकर के, तो अगर हम लोग आर्टिकल 15 की बात करें तो इसमें बताया गया है कि धर्म, जाति, मूल वंश, निवास स्थान, इन सब के आधार पर किसी भी व्यक्ति के साथ में विभेद नहीं किया जाएगा। अगला हमारा आर्टिकल है आर्टिकल 16, लोक नियोजन में अवसर की समता। या इसका मतलब है कि जितनी भी हमारी सरकारी नौकरियां हैं उन नौकरियों में सभी के लिए समान अवसर रहेगा, समान अवसर दिया जाएगा। अगला हमारा है अस्पृश्यता का अंत। अस्पृश्यता का मतलब होता है छुआछूत, और छुआछूत को यहां पर कंप्लीटली अवॉइड करना है सारे भारत के नागरिकों को। अगला हमारा आर्टिकल है आर्टिकल 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, और इन सबको आइए अब हम डिस्कस करते हैं। देखिए अगर किसी आर्टिकल में आपको प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट सेक्शन में या फिर इंस्टाग्राम पे डायरेक्टली मुझसे उस आर्टिकल के बारे में पूछ सकते हैं, तो फिर मैं आपको वहाँ पर उसके बारे में और डिटेल में चीज़ें बता दूंगा। आर्टिकल 18 की बात करें तो ये उपाधियों के अंत की बात करता है, यानी कि आज़ादी के पहले जो भी उपाधियाँ लोगों को दी जाती थी उन सारी उपाधियों को अंत यहाँ पर किया जाता है। आर्टिकल 19 की बात करें तो इसमें 6 अधिकार दिए गए हैं, जैसे कि बोलने का अधिकार है, संघ बनाने का अधिकार है, भारत में भ्रमण का अधिकार है, तो इस प्रकार से 6 अधिकार इसमें दिए गए हैं। आर्टिकल 20 की बात करें तो इसमें मुख्य रूप से अगर कोई व्यक्ति हमारा दोषी होता है तो उसे दोष सिद्ध के संबंध में कुछ संरक्षण दिए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अगर किसी व्यक्ति ने कोई क्राइम किया है आज 2019 में और अगर उसको सज़ा होती है 2025 में, तो उसको जो सज़ा मिलेगी वह 2019 में जो कानून उस अपराध के लिए सज़ा थी उसी के अनुसार उसे सज़ा मिलेगी। और एक अपराध के लिए किसी व्यक्ति को दो बार दोषी नहीं दिया जाएगा और स्वयं के खिलाफ गवाही देने के लिए किसी को बाध्य भी नहीं किया जाएगा। अगला हमारा है आर्टिकल 21, जिसमें प्राण व दैहिक स्वतंत्रता की बात की जा रही है, और इसी के अंतर्गत आर्टिकल 21A में बताया गया है कि जो भी 14 वर्ष तक के बालक होंगे, 6 से 14 वर्ष तक के, उनके लिए जो शिक्षा होगी वह मुफ्त प्रोवाइड कराएगी राज्य, और इसी में निजता के अधिकार को भी शामिल किया गया है। आर्टिकल 22 के बारे में अगर हम लोग बात करें तो यह मुख्य रूप से निरोध और गिरफ्तारी से संरक्षण प्रदान करता है, यानी कि जो भी किसी व्यक्ति को डिटेंशन किया जाता है, उसे डिटेन किया जाता है, उसके खिलाफ संरक्षण प्रदान करता है। आर्टिकल 13 की बात करें तो यह मानव व्यापार और बलात्श्रम, यानी कि मानवों को खरीद फरोख्त नहीं की जा सकती है और ना ही किसी व्यक्ति से ज़बरदस्ती बिना किसी श्रम के, बिना किसी पैसे के काम कराया जा सकता है। आगे अब हम बात करेंगे आर्टिकल 24, आर्टिकल 32 के बारे में। यही दोनों हमारे महत्वपूर्ण हैं। बाकी अगर हम लोग अल्पसंख्यक वाले सेक्शन की बात करें आर्टिकल 29 और 30 की, या फिर हम आर्टिकल 25 से 28 तक जो कि हमारा धर्म किससे संबंधित है उनके बारे में भी हम डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि उनसे प्रश्न आपसे नहीं पूछे जाते हैं। आर्टिकल 24 की बात करें तो इनमें जो हमारे बालक हैं, यानी कि 14 वर्ष से कम उम्र के बालक हैं, उन्हें आप किसी खतरनाक काम के लिए काम नहीं करवा सकते हैं। और आर्टिकल 32 के बारे में मैंने आपको डिटेल में बताया था कि यह अगर किसी भी व्यक्ति के मूल अधिकार का हनन होता है तो वह
सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट से रिट को जारी करवा सकता है। सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के अंतर्गत रिट जारी करता है और जो हमारा हाई कोर्ट है वह आर्टिकल 226 के अंतर्गत रिट जारी करता है। पांच प्रकार के रिट के बारे में भी मैंने आपको डिटेल में बताया था। तो इस वीडियो में फिलहाल के लिए इतना ही है। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ में शेयर करें। वीडियो को देखने के लिए, प्रश्नों के उत्तर देने के लिए और वीडियो को लाइक करने के लिए आप सभी को प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर लिसनिंग। जय हिंद, जय भारत। और सबसे ज़रूरी कि पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत।